राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरल से गिरफ्तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर शफीक पैट से पूछताछ की है। इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। शफीक पैट ने बताया कि पीएफआई के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना रैली थी। दरअसल पीएफआई के लीडर रैली का माहौल बिगाड़ना चाहते थे। जांच के दौरान ये भी पता चला कि पीएफआई के अकाउंट में एक साल में करीब 120 करोड़ रुपए डिपॉजिट कराए गए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरल से गिरफ्तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर शफीक पैट से पूछताछ की है। इसके लिए बाकायदा बैनर पोस्टर भी लगाए गए थे। 12 जुलाई को थी पीएम मोदी की पटना में रैली। पिछले दिनों एनआईए और ईडी ने पीएफआई मेंबर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में शफीक ने बताया कि इसी साल 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना में रैली थी। ये रैली पीएफआई के टारगेट पर थी। रैली का माहौल खराब करने वाले लोगों को पीएफआई ने ट्रेनिंग भी दी थी। जांच के दौरान ये भी पता चला कि पीएफआई के अकाउंट में एक साल में करीब 120 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए गए थे। इसके साथ ही जितना पैसा अकाउंट में जमा किया गया था उससे दोगुना रुपया कैश के रूप में एकत्र किया गया था। विदेशों से हो रही थी फंडिंग। एनआईए की जांच में ये भी जानकारी मिली है कि ये करोड़ों रुपए की रकम न सिर्फ हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से बल्कि विदेशों से भी एकत्र की गई थी। इस पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा था। केरल से एनआईए ने किए थे 22 लोग गिरफ्तार। इस एक्शन के दौरान देश भर के कई हिस्सों से 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिससे सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां केरल से हुई थी। केरल से 22 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। पीएफआई ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पहले ही कई संगठन तैयार कर लिए थे, जिनके जरिए देश में अपने एजेंडे को जारी रखने के लिए पीएफआई ने पूरा प्लान बनाया हुआ था। हालांकि इसके बनक जैसे ही एजेंसियों को लगी तो उन्होंने इसका भंडाफोड़ कर दिया। पीएफआई ने तैयार किए थे कई संगठन। जानकारी के मुताबिक पीएफआई ने एक या दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे संगठन तैयार किए हैं। आंतरिक सुरक्षा कार्यालय के हाई लेवल दस्तावेजों के अनुसार इन संगठनों को सरकारी एजेंसी के प्रतिबंध से बचने और आतंकी एजेंडा फैलाने के लिए तैयार किया गया है। एनआईए की छापेमारी और लोगों की गिरफ्तारी को लेकर पीएफआई ने शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक केरल में हड़ताल का आह्वान किया था। पीएफआई नेतृत्व का कहना था कि राज्य में उनके नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया गया है।